अब आपको सुनाएंगे जैसा कल प्रसंग था और वेद जिसकी गवाही देते हैं कि वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को आकर मिलते हैं। और दृढ़ भक्त वो होते हैं जो एक बार ज्ञान समझने फिर सारा विश्व एक तरफ और वो भगत एक तरफ, वो मान्या नहीं करता किसी की। जैसे प्रहलाद के मन में समझ में आ गई, ठीक मेरा पिताजी तो नींद में बोला है, नो कह मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, यू तो नींद में शनिपात के मरीज की तरह बांडा है। उसको पक्का ज्ञान हो गया था कि भगवान की पूजा से ही लाभ होगा। तो उसने सैकड़ों यातनाएं दी अपने पुत्र को, लेकिन प्रहलाद टस से मस नहीं हुआ। और पुण्यात्मा यही सची थी, अब हुई ये क्रोथा कांड हुआ। इसका कारण यही था कि नकली संतों ऋषि आचार्यों की दुकानें बंद होने के कागार पर आ गई। उनको यह डर था कि कहीं जनता को पता ना लग जाए सच्चाई का और तुम्हें थुक्के धक्कारें, अगर तुम इसे आचार्य थे, तुमने कह कह का भी नहीं पता कहाँ के गुरु थे। उन्होंने राजा और प्रजा को भ्रमित करके कितना जुल्म ढा दिया, कितनी झूठ बोल दी, कितनी बकवाद कह दी कि वहां ऐसा होता है ऐसा होता है। लेकिन आप जी प्रहलाद के रोल पर थे, आपने उस समाज और उस झूठे आचार्यों की और इस झूठे मीडिया की कति नहीं सुनी। आप टस से मस नहीं हो सके सके, आपने प्रहलाद वाला रोल किया है। नहीं इतनी बुंडी सुनकर तो घर के भी दूर भाग जाए जो हमारे बारे में अफवाहें फैलाई। तो पुणात्माओं यह परीक्षा थी परमात्मा की कि मेरे बच्चे मुझे कितना पहचान सके हैं, क्योंकि 1994 से लेकर 2006 में युकांड हुआ था, 1994 से लेकर 2006 तक 12 वर्ष लगभग हो गए। इन 12 वर्षों के अंदर परमात्मा ने ये देखना था कि ये बच्चे मुझे कितना पहचान चुके हैं, क्योंकि आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने एक परीक्षा की थी। एक वैश्या को, सुप्रसिद्ध वैश्या को हाथी पर बैठा कर और हाथ में गंगा जल लेकर बोतल में और मुंह का लगा कर और उस वैश्या को हाथी पर बैठा कर पूरे बाजार में घूम गए। जब 64 लाख शेष हो गए थे परमात्मा के, तो परमेश्वर कबीर जी ने देखना चाहा था कि ये मुझसे कुछ परिचित भी हैं या सुख इन्हें मिल रहे हैं इसलिए मुझे भगवान मान रहे। तो उसमें क्या हुआ कि सभी के सभी इस लीला को देखकर 64 लाख के 64 लाख भगवान से विमुख हो गए। लोक वेद सुनकर दुनिया कहन लगी, देख थारे गुरु जी ने कितने निकम्मे हैं, ये कैसा जुल्म कर रहे हैं, सरेआम वैश्यावर्ती कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, वैश्या को साथ लिए। अब वो मूर्ख थे, परमात्मा कहा करते रहे निकम्मियों, जब तुम्हें सुख होते थे, तेरे दुख दूर होते थे, तुम्हारी जुबान का थूक सूख जाता था, मेरी महिमा गाते गाते जनता के सामने भगवान आए हैं, हम ऐसे दुखी थे सुखी कर दिए, और आज मैं इतना गंदा हो गया कि शराब भी पीऊं और वैश्यावृत्ति भी करूं, तुम्हारी इतनी बुद्धि भी काम नहीं करी, जाओ पड़ो बाढ़ में। यही देखना चाहो थे परमात्मा। तो पुण्यात्मा आज उससे भी बुरे आरोप हम पर लगाए, लेकिन मेरे बच्चा एक भी टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि ये परिचित हो चुके थे भगवान से। तो इस शिक्षा का हमें ये लाभ हुआ है कि हम भगवान को पहचान रहे हैं। यह परीक्षा थी और अब देखना यह विस्तार कितनी स्पीड से विश्व में जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि सब मानव समाज इस तत्व ज्ञान से परिचित हो, और जिससे ये माया की दौड़, माया की हाहाकार मच रही है, इसके पाने के लिए ना भाई देखता, ना बेटा देखता, ना माँ, ना कुछ, भाई बहन का आपस में रोज लड़ाई रहती है, झगड़े बढ़ गए हैं, पैसा कमाने के लिए रिश्वत है, तेरा गजब है। समाचार पत्रों में सुनते हैं, राजा लोग रिश्वत लेते हैं, जज लोग रिश्वत लेते हैं, आग लगी फिर रह गया कि इस पृथ्वी पर फिर कौन जीव बचेगा। पुण्यात्माओं कितने तक कानून बना लियो ये सरकारें, कति कोई लाभ नहीं होगा। इस अध्यात्म ज्ञान से जीव को हेट हो जाएगी इन गंदे कर्मों से, उसको पता लग जाएगा कि कहाँ रखूंगा इस धन को, कि आग लाऊंगा, ये पाप मेरे साथ रहेंगे और माया मेरे साथ रहेगी नहीं। तो इस आधार से पूरे विश्व में शांति होगी,
हम भगवान की भक्ति में बहुत समय लगा सक्या करेंगे। अब तो दिन रात माया जोड़न की तगड़मबाजी, फार्मूले याद रखें हम कैसे धन जोड़े, और धन वही मिलना जितना भाग्य में, उससे अधिक मिल नहीं सकता। और परमात्मा कबीर जी की शरण में आने के बाद आपके भाग्य में ना होगा तो भी देगा। अब परमात्मा कबीर जी कहते हैं जय तन राजपाठ भी चाहिए हमारा दर ले ध्यान।